नमस्कार, द पब्लिक इंडिया में आप सबका स्वागत है। आज हमारा विषय जो है वो आईपीसी सीआरपीसी की जो नई धाराएं 1 जुलाई से हमारे न्यायपालिका में और हमारी न्याय संहिता में आ रही हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम दो चीजों पे और चर्चा करेंगे। बिहार में हाई कोर्ट में आपने देखा किस तरीके से जो आरक्षण का जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने 50% से 65% बढ़ाई थी रिजर्वेशन, उसको स्टक डाउन कर दिया है। एक बहुत सीरियस मामला है ये, उस पर चर्चा करेंगे। और आखिर में केजरीवाल साहब के साथ क्या हो रहा है और किस तरीके से लोअर कोर्ट ने एक डिटेल ऑर्डर में उनको बेल दी और हाई कोर्ट में वो ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। अगर वो बेल कंटिन्यू होती तो आज शायद 4 बजे अरविंद केजरीवाल साहब छूट के आ जाते। इन मामलों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरिशंकर जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरठ से हमारे साथ संबोधन कर रहे हैं। और हमारे साथ मीनू जैन जी देहरादून से पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, देश की राजनीति पे पैनी नजर रखती हैं। कुछ हमारे साथी मणिपुर से और बिहार से आरक्षण को लेकर अपनी अपनी बात रखेंगे, तो वो जब ज्वाइन करेंगे मैं आपको उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मेरा पहला सवाल मीनू जैन जी आपसे है, आपने देखा कि सीआरपीसी और आईपीसी पे जो डिबेट चल रही थी कि नई न्याय संहिता होनी चाहिए, नया सीआरपीसी एक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इंडियन पिनल कोड है वो 1867 से पहले का है, ब्रिटिशर टाइम का है, पुराना हो चुका है। एविडेंस एक्ट है वो भी पुराना है, 1890 समथिंग का है। और इन चीजों में अब बदलाव की जरूरत है। आपको याद होगा विवेक देबरॉय का एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, ये स्टेट्समैन में आया था, उन्होंने ये कहा था कि भाई संविधान को बदला जाना चाहिए क्योंकि संविधान भी बहुत पुराना हो गया है, तारीख बदल गई, समस्याएं बदल गई, लोग भी कुछ ज्यादा हो गए, देश की राजनीति में हम लोगों के लिए बहुत सारी और चीजें नई खड़ी हो गई, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये सब बदलाव समय के अनुसार, समाज के अनुसार, जैसे जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे संविधान भी बदलना जाना चाहिए। और इस बात की भनक जब पब्लिक को पड़ गई तो 2024 के इलेक्शन में संविधान बदला जाएगा, लोकतंत्र बदला जाएगा, लोग सटली सचेत हो गए कि मोदी जी को तो मेजोरिटी दे रहे थे कि देश का चौकीदार काला धन वापस लाएगा, देश की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेगा, देश में 2 करोड़ नौकरियां देगा, किसानों की आय दुगनी करेगा, बहुत सारे सुनहरे सपने मोदी जी ने दिखाए। उसके बाद जो हुआ सो हुआ, 10 साल बाद उनका मैंडेट जो 400 पार अब की बार उन्होंने कहा वो 240 पे कहीं सिमट गया। अब कोलिशन पॉलिटिक्स में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने वो लॉज इंप्लीमेंट करने की डेट अनाउंस कर दी जिसमें 145 एमपी को नई संसद में से निकाला गया और निकाल के और उन लॉज को आनन फानन में पास कर दिया गया। अब क्योंकि अब वो लेजिस्लेट हो चुके हैं पार्लियामेंट से, किसान बिल भी लेजिस्लेट हुए थे पर किसानों ने 13 महीने उसका स्ट्रगल किया और वो रिपील कराए। अब मामला जो है वो स्टेक होल्डर्स के पास चला गया। स्टेक होल्डर्स कौन है? जज हैं, वकील हैं, मुवक्किल हैं, जिन्होंने केस फाइल किए हैं वो लोग हैं, जिन पे केस भुगत रहे हैं एक्यूज वो भी हैं। अब बात ये आ जाती है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन लिटिगेशन वाले जो केसेस हैं ये अब नए लॉज के हिसाब से चलेंगे या पुराने लॉज के हिसाब से चलेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल। ये कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा और इसमें एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई है कि जो केसेस एक एवरेज पेंडेंसी होती है केस की, जैसे एक सिविल केस है वो 10 साल की करीब पेंडेंसी होती है, एवरेज लाइफ कह रहा हूं, वो 10 से 20 साल भी जा सकता है, कई केस 25-25 साल भी जाते हैं, पर एवरेज पेंडेंसी 10 से 12 साल होती है सिविल केस की। एक क्रिमिनल केस की पेंडेंसी डिपेंड करता है किस तरीके का केस है, वो करीब 15 साल, 16 साल, 18 साल, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होना है, सबूत पेश किए जाने हैं, विटनेसेस आने हैं, कोर्ट का मामला है, एडजर्नमेंट्स होती हैं, फिर वो चार्जशीट फाइल करते टाइम, चार्जेस फ्रेम करते टाइम उस पर भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। छोटी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर बेल मैटर में, हर हर प्रोसिक्यूशन में आप सभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो बहुत समय लग जाता है। तो अब आप मीनू जैन जी ये बताइए कि बेल प्रोविजंस का क्या होगा? जो लोग बेल अप्लाई कर चुके हैं पुराने आईपीसी एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट में 41A का, जिनको नोटिस नहीं मिला, अर्नेश कुमार वर्सेस अदर्स वाले की एग्जाम्पल दे चुके हैं,
कि 41A के नोटिस के बगैर हमें अरेस्ट कर लिया गया, हमें साक्ष्य नहीं बताए गए, हमारे पास FIR की कॉपी नहीं है, और PMLA में तो खैर ECIR देनी है नहीं देनी है, प्रोविजन में तो लिखा है आप मत दीजिए अक्यूज को, लेट द ऑनर्स बी ऑन अक्यूज टू प्रूव दैट ही इज नॉट गिल्टी डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही डज नॉट नो ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही इज बीन मेड अक्यूज्ड ऑफ। बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है कि बगैर अक्यूज को यह पता कि मेरा जुर्म क्या है, आप उसको अरेस्ट भी कर लें, उसको ECIR की कॉपी भी मत दें, और वो सबसे पूछता रहे तो बताओ भी मेरी गलती क्या है। तो ऐसे माहौल में क्या ये न्यू CRPC और IPC एक्ट, मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे ये है, ऑपोजिशन को प्रताड़न करने के लिए, इंडियन डेमोक्रेसी को एक पुलिस स्टेट बनाने के लिए, और एक क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस को जिसमें एक्यूज के ऊपर ये होता है कि बेल इज अ मतलब बेल जो है वो नॉर्म है और जेल एक्सेप्शन, और इस नए लॉ में ये लिखा है कि 90 दिन आप पुलिस कस्टडी में पुलिस रिमांड में किसी को रख सकते हैं। आपको पता हो जब हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविज्म करते हैं, बाहर जाते हैं, जब हमें पुलिस थाने ले जाती है बैठाती है, तो यही कहती है हमारे पास तो एक दिन भी हम आपको रख नहीं सकते, आपको हम यहां बैठाएंगे 3-4 घंटे में हम आपको छोड़ देंगे, ना हमारे पास इतना साधन है ना हम कुछ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपना खाना पानी सब बाहर से मंगा सकते हैं, घर से मंगा सकते। ऐसे हालात में अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में जाएं जहां पे ना कैमरास लगे हैं, ना पारदर्शिता है, ना आपको बता सकते हैं कि अंदर जेल के क्या हो रहा है, और ना उनके पास इतने प्रोविजन है, 90 दिन तक एक आदमी को पुलिस रिमांड में, 14 दिन में तो आदमी यहां मर जाता है, कितने इन कस्टडी पुलिस हत्याएं मतलब ऐसी केसेस हुए जिसमें लोगों की लोग मर गए हैं और संदिग्ध हालत में लोगों की मारपिटाई से मौत हो गई या सदमे से मौत हो गई, 90 दिन तक पुलिस कस्टडी में आदमी रहेगा। तो मेरा आपसे सवाल यह है, ये IPC CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में इतनी आनंद फानन में नई न्यायपालिका न्याय संहिता आचार संहिता ये सब लगाई जा रही है, इसकी ओरिजिनल वजह क्या है? मीनू जैन जी आप बताइए। देखिए जो मेरे को समझ में आती है राजनीतिक वजह है इसकी प्योर, और जो राजनीतिक वजह है वो ये है कि 241 सीटें आई हैं और अभी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई भी ये नहीं मान रहा है कि ये बहुत लंबा खींच पाएंगे मोदी जी इस सरकार को, तो ये सरकार कभी भी गिर सकती है, कितने दिन में गिरेगी कितने महीने में गिरेगी ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये जो जो ये नए IPC भारतीय न्याय संहिता दंड संहिता और साक्ष्य संहिता को लागू करने की जो जल्दबाजी है, जिसके की प्रोविजंस को कुछ का तो आपने डिस्कशन में बता आपने इंट्रो में बता भी दिया है, उसके पीछे कारण ये है कि मोदी जी इसका ये सीधा सीधा संकेत दे रहे हैं कि मैं सत्ता नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं 240 मेरे साथ जो 290 में से जितने भी 50 है वो अपना समर्थन खींच लें, मैं अल्पमत में आ जाऊं, लेकिन मैं 240 में रहने के बावजूद भी सत्ता नहीं छोड़ूंगा। और ये जो आपके तीनों जो नई संहिताएं आई हैं, न्याय भारत न्याय संहिता आई है जो तीनों, इनके जरिए मैं शासन करूंगा, इसके जो ड्रेकोनियन लॉ है आपने देख ही लिया है कि मतलब इवन अभी कोई भी जो एक चौकी का अफसर जो है उसके अधिकार में आ गया है कि वो किसी भी एक्टिविटी को टेररिस्ट एक्टिविटी बता सकता है। अब आप बताइए कि लोकल पॉलिटिक्स आप जानते ही है कैसी होती है, और लोकल का थाने में क्या भ्रष्टाचार और किस तरह के अनैतिक काम होते हैं, और किस तरीके से लोगों को किसी भी बिना पे उसको टेररिस्ट घोषित करके और उसको कस्टडी में ले लेंगे वो। और आपने जो बताया कि टेररिस्ट अगर उसको उसने बता दिया है तो 90 दिन में भी उसकी बेल होने का सवाल नहीं है। तो ये चीज और ऐसी इसका आपका जो 124A वाला जो सेक्शन है उसको इन्होंने 152 में प्रोबेबली मैं इफ आई एम करेक्ट तो वो बना दिया है, तो वो उसमें इस तरीके के प्रावधान है कि अखंड उसमें भी कि आपका जो किसी भी एक्टिविटी को आप मान सकते हैं कि ये अखंडता को खतरा है या संप्रभुता को खतरा है इस देश की, तो आपने कहां बदला, कहे तो आप ये रहे कि हमने राजद्रोह की धारा खत्म कर दी है, आपने खत्म नहीं की है, वो 152 में ले आया है, जैसे वो 420 की धारा को इन्होंने बदल के कहीं 90 में या कुछ कहीं ले आए, तो वो चेंजेस आपने कर दिए हैं। लेकिन ये ड्रेकोनियन लॉ, इसमें मैं इंदिरा जयसिंह का एक इंटरव्यू वायरल में सुन रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही और बड़े उन्होंने पूरे अपनी जिम्मेदारी के साथ ये बात कही है कि जब ये कानून के बदलाव की बात हो रही थी तो उस वक्त जो है कंसल्टेशन किसी से नहीं की गई, कोई बार काउंसिल से किसी कोई भी जुडिशरी से स्टेट जुडिशरी से
हाई कोर्ट के जस्टिस वगैरह चीफ जस्टिस किसी से नहीं की गई। लॉ मिनिस्ट्री ने जब इसके बारे में बैठक की तो ओनली सीजेआई चंद्रचूड़ साहब को बुलाया गया वहां पे, और चंद्रचूड़ साहब वहां थे और उन्होंने उसके बाद स्टेटमेंट ये दिया था कि ये देश के हित में है, कानून की धाराएं। अब आप अंदाज लगाइए कि जिसके बारे में आप रिट पिटीशन डालने की तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लोग जा रहे हैं चिट्ठी लिख रहे हैं और वो चंद्रचूड़ साहब की अदालत में ही आ जाती है वो रिट पिटीशन, तो उसका क्या हर्षण होगा। तो ये एक सोचने वाली बात है कि जिन कानूनों को बगैर संसद में किसी भी तरह की चर्चा हुए, किसी तरह की सेलेक्ट कमेटी को दिए बगैर, किसी तरह का कोई पब्लिक डिस्कोर्स पब्लिक की चर्चा में आए बगैर, जिनको आनंद फानन में, और 146 जिसमें सांसद बाहर निकाल दिए गए बगैर किसी डिस्कशन के, जिसको पास कर दिया गया, जिसकी की जिसकी जो खामियां है वो आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, वो डिस्कस उस जब उस दौर में होनी चाहिए थी, पास होने से पहले होनी चाहिए थी कि इनको आप माइल्ड कीजिए, इनको चेंज कीजिए, इसमें ये बदलाव कीजिए। तो ये चीजें हुई नहीं है और चंद्रचूड़ साहब की उसमें स्वीकृति है, तो आप किसका किसके पास जाके अपने गुहार लगाएंगे? आप देश के जो चीफ जस्टिस है, अगर उन्होंने इसको इसकी तारीफ की है तो आपके लिए क्या स्कोप रह जाता है? मेरे हिसाब से तो पब्लिक के लिए कोई स्कोप रह नहीं जाता है। मेरे हिसाब से तो चंद्रचूड़ साहब से ये उम्मीद नहीं थी। देखिए इंदिरा जयसिंह के हवाले से कह रही हूँ, मैं रिनाउंड लॉयर है इस देश की, उन्होंने ये बात कही है। तो आप इनका तो वही है कि ये इसके बदल चाहे अल्पमत में आ जाए, इससे भी कम चले जाए और सांसद इनको छोड़ के चले जाए, ये उसके बावजूद भी इन्हीं धाराओं के बल पे ये यहाँ पे टिके रहेंगे। और देश में दो, जो आपने शुरू में एक बात की कि दो चलेंगी दो चीजें, तो ये एक साथ दो कानूनी प्रोसीजर इस देश के अंदर चलेंगे क्या? एक आपका पुराना और एक नया, कौन सा का? मतलब एक कंफ्यूजन की कितना अटल कंफ्यूजन जुडिशरी के अंदर होगा उस वक्त और पुलिस के अंदर होगा, जो इतना ज्यादा अभी इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार और अव्यवस्था है, तो आगे क्या होगा ये बस खुदा ही मालिक है। जी जी मिनुजन जी, मैं आपके पास आता हूँ। जोशी जी, आपकी परमिशन से जरा धनेंद्र जी से बात करना चाहता हूँ। ये अपने गांव में बिहार में हैं, शायद कनेक्शन इनका बाहर कहीं है, तो मैं इनसे एक सवाल बिहार का ले लूं, फिर मैं आप पे आता हूँ। धनंजय भाई, ये आप बिहार में हैं, बिहार में कल हाई कोर्ट ने 65% रिजर्वेशन का जो बिल था, लेजिस्लेशन था, वो उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया पटना हाई कोर्ट। जब इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% के आरक्षण की बात आती है, तो उस समय नहीं पूछा जाता कि ईडब्ल्यूएस 10% का जो आपने क्राइटेरिया इंप्लीमेंट किया है ये किस आधार पे किया है, क्योंकि सेंसस तो 2011 के बाद हुआ नहीं है। बिहार में तो स्टेट सेंसस फिर भी हुआ है, कास्ट सेंसस, और उसके बिना पे बहुत सारी कैटेगरीज जाति वाइज डिफाइंड की गई है, किस कैटेगरी में कितने लोग हैं, क्या परसेंटेज है, और सब कुछ मद्देनजर रख के जब 80-85% उनको लगा कि सामाजिक न्याय लोगों को मिलना चाहिए, और आप सामाजिक न्याय पे बहुत सारे कार्यक्रम अपने चैनल द नागरिक पे भी कर चुके हैं, और बिहार में आप इस समय ग्राउंड जीरो पे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार अब क्या करेंगे इसके बाद? ये तो डायरेक्ट प्रहार है बिहार की सरकार पर, जो उनका मेन मुद्दा सामाजिक न्याय का था, और यही मुद्दा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो है वो राहुल गांधी लेके चले थे। तो अब ये ऑपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो जाएगा जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा 24 जून को? जी धनंजय भाई, देखिए मुद्दा तो ईडब्ल्यूएस भी होना चाहिए था, मुद्दा नहीं बना, कांग्रेस ने भी इस पर बात नहीं की, और मुद्दा ये भी होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने जो किया, इनके जो बिहार सरकार के महाधिवक्ता है वो क्या कर रहे थे? आलू बेचने के लिए महाधिवक्ता बनते हैं, उनको नहीं दिखाई पड़ रहा था कहां कहां कट हो सकता है? और अगर हाईकोर्ट ने ये ऐसा कहा है तो किस आधार पर कहा, जिस आधार पर कहा उसकी तर्क कीजिए या जाइए सुप्रीम कोर्ट। देखिए कंप्लीटली हर कई स्टेट में इस तरह की चीजें होती रही है, हालांकि तमिलनाडु में आप याद कीजिए, तमिलनाडु में वो सारी चीजें हैं, 75% वहाँ लागू है, लेकिन महाराष्ट्र की बात आई, महाराष्ट्र में भी ऐसे कैंसिल हुआ। तो ये बेसिकली राजनीति करते हैं सब लोग, ये बहुजनों को ठगते हैं। और जो ये राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, 90 में से 87 जो है वो सवर्ण है, तीन ही ये लोग हैं, ये सारे सेक्रेटरीज यही खेल है, और ये संघ इस खेल का मास्टरमाइंड है। संघ जो है, आप देखिएगा जहां जहां ये घटनाएं हुई है वो संघ के लोग खड़े रहते हैं,
यार ये केस करने के लिए इस तरह के। ईडब्ल्यूएस पे कहीं संघ का आदमी नहीं खड़ा आया कि आज याचिका दायर करने वाला आया कि हाँ ये गलत है। कोई हाईकोर्ट का वकील कोई खंडन नहीं किया कि ये गलत हुआ है, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जब आता है इस पर तो बार बार, बिहार पहला स्टेट नहीं है, ऐसे महाराष्ट्र में भी हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये भी मैं बताऊं, ये जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री बना देते हैं दलित को, मुख्यमंत्री बना देते हैं पिछड़ों को, ये उनकी कठपुतली है जिनके नाम के सहारे उनको कुछ दे देते हैं चाटने के लिए, और उसके सहारे ये जो है दूसरा धंधा करता है। और वो धंधा ये किया है इन्होंने कि एक ऐसा लेयर क्रिएट कर दिया है देश में। अरे 50% किस आधार पर रखा हुआ जनरल कैटेगरी में? कौन जनरल कैटेगरी में जाता है? क्या रिजर्व कैटेगरी के लोग जनरल कैटेगरी में जाते हैं? तो 50% आपने 15% रखा, फिर उस 15% को फिर 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पे दे दिया, फिर क्या बंदर बांट कर रहे हो आप? तो पूरा का पूरा जो है ये घाल मेल है, और ये न्याय नहीं है, अन्याय है। और अन्याय इसलिए है कि सब जो जो वकील हैं, जो जज हैं, जो याचिकाकर्ता है, जो देश की राजनीति को चला रहे हैं, सब के सब जो है बहुजनों के खिलाफ लोग हैं। मैं ओपन आरोप लगा रहा हूँ ये, और ऐसा आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस जब लागू किया तो किसी ने क्यों नहीं कहा? सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी जो है गड्ढे में बैठा। अभी अभी एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर है वो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में नहीं जो बच्चे पढ़ने भेजते हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, अंग्रेजी प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं जरा पूछे उनसे, उनके जो सेक्रेटरीज है 90 उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, जो कलेक्टर्स हैं देश के उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, मंत्रियों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, क्या सरकारी स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं उनके बच्चे? पढ़ाओ अपने बच्चों को पहले सरकारी स्कूलों में। एक टीचर होते हैं 1000 विद्यार्थी होते हैं और कंपटीशन करवाते हैं आप? तो ये पूरा का पूरा पूरी व्यवस्था जो है 10 सालों में मजाक बनकर रह गई है। और 10 साल से मैं और पीछे ले जाऊं, ये मजाक बना दिया पूरे सिस्टम को आपने, हर जगह पे काबिज कर लिया है। गरीब आदमी के लिए, कमजोर आदमी के लिए कहीं आपकी आवाज सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है आवाज। लेकिन अगर यही हाल रहा तो जान लीजिए टापू बना रहे हैं ना, टापू एक दिन ऐसा सुनामी आएगा सब डूब के मरोगे, ये लिख लो आप। जी जी जी, आपका आक्रोश जो है वो आपकी भाषा में झलक रहा है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। हम लोग आज न्याय प्रक्रिया और न्यायालय में जो नए सीआरपीसी आईपीसी एक्ट आए हैं उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। जोशी जी, एक धनंजय जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात उठाई कि ये जो आरएसएस में टॉप शीर्ष पे लोग बैठे हैं, कुछ लोग तो अब कुर्ता पजामा भी ऐसा पहनते हैं कि क्रीज ना हटे। जो पहले मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के चला करते थे, आज सुनने में आया इनोवा में बैठ के चलते हैं ड्राइवर के साथ। तो कुछ तो कहते हैं ना कि अपलिफ्टमेंट उन आरएसएस के कार्यकर्ताओं की भी हुई है जो बीजेपी के साथ नित्य रोज ढंग से जो है उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं या उनसे अपना सामंजस्य बिठाते हैं। और ये जो नई न्याय की प्रक्रियाएं हुई है, नई आचार नई न्याय संहिता आई है, या जो भी सीआरपीसी का एक्ट बदला गया है, इस पे आरएसएस की तो सहमति होगी, बगैर आरएसएस की सहमति के ये लॉस तो पास नहीं हो सकते। और आरक्षण विरोधी रही है आरएसएस, शुरू से ही कहती रही है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो जब आरएसएस के इशारों पर ही सरकार चल रही है तो फिर मोहन भागवत क्यों कहते हैं कि ये राजधर्म नहीं फॉलो कर रहे हैं और कोलिशन की पॉलिटिक्स को नहीं समझते हैं? एक तरफ तो वो सब कुछ वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो हिदायत भी। तो ये नूरा कुश्ती क्या है और इसके पीछे का मेन कारण क्या है, मैं जरा आपसे समझना चाहता हूं। अनम्यूट कर लीजिएगा मेकअप। प्रणाम धनंजय जी और हिजम जी और मीनू जी को भी प्रणाम। तो देखिए, आरएसएस की सहमति के बगैर तो अब इस मुल्क में किसी यूनिवर्सिटी में कैंटीन का ठेका भी नहीं मिलता है। अभी तक तो बात आप ये करते हैं कि सब कुलपति प्रोफेसर बहुत ही सही कहा है जोशी साहब, मेरी बात आपने कंप्लीट की है, अधूरी रह गई तुझे जोड़ा है आपने। तो वो जो है उनकी तो बात आप छोड़ दीजिए, मेरे ऐसे ऐसे जानकार जो है कुलपति हैं जिनको हिंदी लिखनी नहीं आती है, अंग्रेजी लिखनी नहीं आती है, और वो कुलपति हैं। मैं जानता हूं, मेरे साथ काम किए हुए लोग भी हैं उस। तो दरअसल एक साइकिल का ठेका भी अगर कहीं पर छूटता है
तो भी ये स्थिति होती है। ये बात सिर्फ मतलब पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी जो सड़कें बन रही हैं उसका टेंडर गुजरात, उसका जो सामान है गुजरात की मटेरियल गुजरात की कंपनी सप्लाई करती है। आप सोचिए 20 साल की गारंटी वाली सड़कें बन रही हैं, 20 साल का किसको भरोसा है। तो ये सारा चक्रव्यूह चल रहा है। और जहां तक अभी आपने धनंजय भाई ने जो कहा आरक्षण की बात, वो बिल्कुल सही है। राहुल गांधी जो लाल किताब लेकर घूम रहे थे और जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत जल्दी सामने आ गई है। अभी तो शपथ ग्रहण भी समारोह नहीं हुआ है, तीसरा टर्म जो है वो भी शुरू नहीं हुआ है, वो बात सामने आ गई है। इनके पास में हजार रास्ते हैं, ये कोई सा रास्ता बंद नहीं करते, सारे रास्ते अपने एजेंडे के लिए खुले रखते हैं। हमारे गुजरात के गिरीश जोशी जी कहा करते हैं कि इनकी कल्पना है कि दो संस्थाएं होंगी बस, एक वो धर्म संसद और एक रक्षा संसद। तो वो बहुत मजे से उनकी बात बहुत दमदार है कि धर्म संसद जो है वो ये जितने भी आपके प्रधानमंत्री और उनके वजीर और धर्म संसद को, जोशी जी धर्म संसद को अगर आप साधु संसद बोल दें ज्यादा अच्छा रहेगा। वो साधु ही तो थे पीछे संगोल राय, जो संगोल के पीछे पीछे चल रहे थे। अब हाँ आप कुछ भी कह दीजिए, देखिए ऐसा है पुराने जमाने में भी जो राजा होता था उस वहां राजा का नहीं अमात्य एक व्यक्ति होता था जिसका शासन चलता था। अमात्य जो होता था वो धार्मिक परिभाषाएं ही देता था। वो अमात्य, अमात्य का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझिए। तो खैर ये बातें तो है। अब नए कानून की जहां तक बात है तो वो ना तो नई वाइन है ना वो पुरानी वाइन है, ना पुरानी वाइन में नई वाइन है, वो अजीब सा गड़बड़ झाला है। दरअसल ये बुद्धिहीनता और अज्ञानता तो उसमें नजर आती ही है। साथ में मेरा मानना ये है कि ये नए आपराधिक कानून जो है वो अंग्रेजों के कानून से भी ज्यादा क्रूर, गैर लोकतांत्रिक और नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों के विपरीत है। इन तीनों कानूनों को बिना बहस के 20 दिसंबर 2023 को संसद के जरिए पारित किया गया, चोरी से, चोरी चकारी करके इनको 150 सांसद बाहर कर दिए, चोरी चकारी हुई बिना बहस के। अब इस पर 1 जुलाई से ये लागू होने हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसको देखकर आप मतलब सकते में, हालांकि अभी 1 जुलाई से कैसे लागू हो जाएंगे, अभी तो लोगों को उनकी प्रतियां भी नहीं मिली हैं, थानेदार को, दरोगा को, सिपाही को मालूम भी नहीं है कि अब हम मर्डर की धारा जो है वो 302 नहीं है, अब वो धारा 101 हो गई है। तो ये मतलब देखिए 302 को 101 कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों क्यों करना पड़ा आपको? क्योंकि आपको इंडिया शब्द से चिड़ थी, इंडियन पैनल कोड से आपको चिड़ थी, तो आपने ये सिर्फ इसलिए किया और उसमें कुछ ऐसे प्रावधान डाले जिससे आपका जो एजेंडा है वो चल सके और आप अपने विरोधियों को बिना किसी कारण के, बिना कुछ बताए हुए आप उन्हें सलाखों के पीछे झोंक सके। तो ये देखिए जो नया कानून है, ये जो वैलिड और नॉन वायलेंस वाले डेमोक्रेटिक वर्क है, यानी कि मतलब कहिए वैध और अहिंसक लोकतांत्रिक कामों को ये आतंकवाद के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, यानी उसे आतंकवाद बता सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और है, आत्मजीत जी के जो FIR है जिसको प्राथमिकी कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है आपका अधिकार है, आप जाइए थाने में, उसे FIR दर्ज करनी पड़ेगी। वो नहीं करते हैं एक अलग बात है, वो पुलिसिया जो तौर तरीके हैं वो अलग बात है, लेकिन आपके पास एक अधिकार है जिसमें उसको वो दर्ज करनी पड़ेगी। दर्ज करने के बाद वो उसमें जांच करेगा, जांच करने के बाद में जो भी फाइंडिंग्स होगी वो कार्यवाही करेगा। अभी क्या है कि अब वो पुलिस के विवेक पर है, यानी जो पुलिस ऑफिसर थाने में होगा, डे ड्यूटी में हो, इनको आपका ऑफिसर वहां हो, थाना इंचार्ज जो भी वहां पर होगा या मुंशी बैठा हुआ हो, तो उसके विवेक पर है
कि वो आपके एफआईआर की रिकॉर्डिंग करे या ना करे, उसकी उसे वो दर्ज करे या ना करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बायोमेट्रिक डाटा मतलब किसी को भी देने के लिए ये बाध्य कर सकता है, ये ऐसे प्रावधान इसमें लाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो प्रावधान है ये बहुत विचित्र तरीके के हैं और ये सीधा सीधा नागरिक अधिकारों का हनन है। 1 जुलाई से लागू हो जाए ना हो अभी बात नहीं कह सकता, लेकिन प्रक्रिया तो उसकी शुरू हो ही गई है। अच्छा जी, जी। अब क्या है कि इसमें नाबालिग के रेप में तो साहब उम्र कैद नहीं फांसी होगी, लेकिन गैंग रेप में 20 साल की सजा है या जिंदा रहने तक जेल की सजा दी जा सकती है, आजन कारावास है, फांसी नहीं है गैंग रेप में। और धाराएं किस तरीके से इन्होंने बदली है, जैसा पहले रेप की धारा 375 होती थी, अब 63 और 69 होगी, 63 और 69 होगी। तो मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा हो सकती है। सर मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा हो सकती है, ये बात तो सही है, लेकिन इस मॉब लिंचिंग को परिभाषित कौन करेगा? थानेदार, पुलिस, प्रशासन? वो किसे मॉब लिंचिंग मानेगा, किसे नहीं मानेगा? और देखिए कैसे कैसे वो है, एक्सीडेंट हो जाने पर कोई अगर घायल को मतलब ड्राइवर जो है वो अस्पताल ले जाता है उठाकर, या पुलिस स्टेशन ले जाता है, तो उसे कम सजा दी जाएगी, वरना उसे 10 साल की सजा होगी। अब क्या है कि वो खुद थाने चला जाए मारने के बाद, होता क्या है कोई एक्सीडेंट हुआ, गलती से हुआ, वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, भीड़ कुटाई पिटाई शुरू कर देती है, इधर से ड्राइवर आमतौर पर भागते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। बहुत मतलब भले ही ऐसे केसेज हों कुछ जिसमें ड्राइवर की गलती हो, ड्राइवर शराब पीकर चला रहा हो, नेग्लिजेंसी हो उसकी, लेकिन अगर नेग्लिजेंसी नहीं भी है तो भी बहुत सारे मामले ऐसे देखे जाते हैं जो ज्यादातर ऐसे ही होता है, कोई ड्राइवर अपना एक्सीडेंट नहीं करना चाहता है, वो थाने चला गया, थाने जाकर उसने कहा कि सर वो मेरे से एक एक्सीडेंट हो गया है, दरोगा कहेगा बैठ जाइए, वो फिर भेजेगा और उसके बाद जब फर्द लिखेगा तो वो कहेगा 1,00,000 रुपया दो। बोले सर क्यों? बोले सिर्फ इस बात का, वो 1,00,000 रुपया मांगेगा कि वो फर्द में ये लिख सकता है कि ये एक्सीडेंट करके भाग रहा था और मैंने दौड़ लगाते हुए इसका पीछा करते हुए 1 किलोमीटर पीछा करके इसको पकड़ लिया रंगे हाथ, अब आप 10 साल के लिए नब गए, वरना दे दो पैसे। तो इस तरीके के जो ये कानून लाए गए हैं ये बहुत ही इन पर बिना बहस के, बिना रिव्यू के, इस पर पार्लियामेंट में दोबारा बहस होनी चाहिए, आज ये जरूरी है। ये बात आज अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में कही कि पार्लियामेंट में इस लेजिस्लेशन पे बहुत चर्चा की जरूरत है, जेपीसी की जरूरत है, इसको आनन फानन में कोर्ट में इम्प्लीमेंट ना किया जाए। 5 करोड़ से ज्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है और पेंडेंसी बढ़ जाएगी और ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा केस जो है किस धाराओं में, पुरानी धाराओं में चलेंगे पुराने केस, या जो है आज से वो सारी नई धाराएं बदल जाएंगी। हिजब राजेन ने हमको ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आने से पहले मैं धनंजय जी से एक सवाल और ले लूं, क्योंकि ये रस्ते में है, हो सकता है इनका कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाए। जी जोशी जी, कुछ कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कोई भी कानून में अगर बदलाव होता है कभी भी, तो ये नियम ये है कि जैसे वो कानून अगर घटित हुआ है 2021 में या 2022, उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, उसको आज की डेट से नए कानून होंगे और उससे पहले के पुराने होंगे। बहुत सारे जो बार एसोसिएशन है वो भी इस बात से खुश नहीं है कि हमको जो है स्टेक होल्डर नहीं बनाया गया। किसान बिलों में भी तो यही हुआ था, 3 कृषि बिल आ गए पर मोदी जी समझा नहीं पाए, तो 17 नवंबर को उनको रिपील करने पड़े, तो ये भी समझाने थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। इसमें लॉ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, कितनी इन्वॉल्व है किसी को नहीं पता इस बारे में। जी एक सदी तक अमेंडमेंट आते रहेंगे, आते रहेंगे। और जो 1 करोड़ों घंटे की डेलिबरेशन, जो हर एक केस पे किसकी बकरी कौन खोल ले गया, किसकी भैंस कौन खोल ले गया, इस पर इतनी डेलिबरेशन पिछले 100 सालों में हो चुकी है, इतने केसेस के एग्जाम
सेट हो गए हैं कि 20-20 रेफरेंसेस के साथ तो आजकल इतनी बड़ी पटिशन जाती है, तो अब क्या होगा? उन जो पुराने केसेस के जो रिजल्ट्स हैं या जो उनके फाइंडिंग्स हैं, क्या वो अब इन नई धाराओं में वो पुरानी रेफरेंसेस चलेंगी या बिल्कुल आपको एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी? जी इररेलेवेंट हो गई है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तो हम लोग सतह पे हैं, अगर इसमें आप धीरे धीरे सतह परतें खोलने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि तो हम पुलिसिया स्टेट बन चुके हैं, पुलिस के हाथ में सब कुछ है, पुलिस आके आपके घर में आपको एक्यूज बना के कि आप ही ने अपने घर में चोरी किया और आपको अरेस्ट करके ले जा सकती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। धनंजय भाई, ये तो तय है कि ये सरकार अपनी नियत और नियति में वैसी ही है जैसी पहले चल रही थी, कोई बदलाव नहीं। अभी भी उन्होंने अनुन्नति रॉय के लिए आईजी ने कह दिया यूएपीए लगा दीजिए, हालांकि 144 ए पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको सेडिशन एक्ट को खत्म कर दीजिए, पर जाहिर बात है कि नए लॉज आएंगे तो उसमें सेडिशन एक्ट का कुछ नाम बदल जाएगा, कुछ उसकी लैंग्वेज बदल जाएगी, पर सेडिशन एक्ट रहेगा, यूएपीए भी रहेगा, पीएमएलए शायद और खतरनाक हो जाए कि ईसीआईआर तो छोड़िए, आप तो 2 साल जेल में रहेंगे, पहले 90 दिन आप पुलिस रिमांड में रहेंगे, अब पुलिस रिमांड में क्या होता है आप जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं अभी ऑपोजिशन क्या करेगी, 24 जून से पहला सत्र है लोकसभा का, जो बेसिक न्याय के मूल्य थे इस इलेक्शन के, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, आरक्षण को बचाना, उन्होंने सबसे पहला अटैक तो उसी पे कर दिया। तो अब जो टीडीपी है या आपके बिहार की सरकार है नीतीश कुमार जी की, तो वो पहले अब स्टेट्स को देखेगी, स्टेट्स को प्रोटेक्ट करेगी, या सीधे ही ऑपोजिशन के साथ मिलकर सेंटर को या मोदी सरकार को आघात पहुंचाएगी, क्या करेगी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या करना चाहिए ऑपोजिशन को, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, एक तो मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये ईडब्ल्यूएस मतलब क्या हुआ, या ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक वीकर क्लास, ईडब्ल्यूएस में, ईबी में ये इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, ईबीएस, बिहार में ईबीएस भी है, तो ईबीसी सॉरी एस ने सी, तो आप ये बताइए उसमें है कि क्रीमी लेयर 8 लाख से जो नीचे हैं उनको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। अब पहले गणना कीजिए कि 8 लाख से ऊपर कमाने वाले इस देश में कितने लोग हैं, उसके बाद उनका आरक्षण तय करिए ना जनरल, कि जो 8 लाख से ऊपर कमाने वाले हैं उतना ही उनका इतना प्रतिशत होगा। क्यों आप नीचे देख रहे हैं? आप हमेशा नीचे के लोगों को रास्ता में कैसे रोका जाए, सारे कायदे वही लेकर के आते हैं। आप किस आधार पे 8-10% दिया ये साबित करें आप, जब जातीय आधार है कि जो जाति के नाम पे जिनको दबाया गया उनके लिए आरक्षण किया गया, तो सवर्णों को किसने दबाया? और दबे अगर आर्थिक बोझ से दबे तो फिर आर्थिक आधार पे आरक्षण है, तो आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण है तो आर्थिक आरक्षण आधार पे आरक्षण जो है, फिर आप जो 8 लाख का क्रिमिनल जो लेके आ रहे हैं, फिर सबको उस दायरे में ला दीजिए, 8 लाख से ऊपर जो भी है वो इस दायरे में है और 8 लाख से जो नीचे है वो इस दायरे में है, ऐसा करेंगे आप? तो इकोनॉमिक आधार है या जाति आधार है, पहले ये क्लियर करें, फिर धार्मिक आधार में उलझाते हैं ये कि धर्म के आधार पर नहीं है। अरे धर्म के लिए तो ये जो जाति जो है, ब्राह्मण और मुसहर और कुर्मी, वो कौन है? हिंदू धर्म में नहीं आते क्या? हिंदू धर्म से बाहर है ये अजीब गरीब पढ़ाई पढ़ाते हैं, और इस देश के जो पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते हैं इस पढ़ाई को, तो इस देश में जो 40% निरक्षर लोग हैं उनको क्या पता चलेगा? एक, अब दूसरी बात, आपने फिर बिहार की बात कही, नीतीश कुमार जी को ये जो दंश मिला है, नीतीश कुमार जी बढ़िया तरीके से उनको दंश देंगे, ये लिखिए कागज पे कहिए। नीतीश कुमार ने जो झटका दिया बिहार में, अभी चक्कर आ रहा है, 12 सीट भले नीतीश जी को आ गई है, लेकिन चक्कर आ रहा है बीजेपी को कि ये 12 सीट आई कैसे इनको, और इसलिए जो पगड़ी खोल के बांध के घूम रहा था इनका, ये कि हम कुर्सी से हटाएंगे तो पगड़ी खुलेगी, वो पगड़ी बांध के कह रहा है कि अब जो है नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और नीतीश जी अब चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी के नेतृत्व में, ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगला चुनाव फिर नीतीश और तेजस्वी मिलकर लड़ेंगे और मटिया मेट हो जाएगा बिहार। यहाँ अभी मैं आ रहा हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कितनी लूट मची है मालूम आपको? और ये जो है अभी के पाठक को यहाँ शिफ्ट किया था, क्योंकि बीजेपी के नेता के पास है वो डिपार्टमेंट, तब से कमा, आप जानते रेवेन्यू डिपार्टमेंट कितना कमाऊ डिपार्टमेंट,
तो के पाठक को प्रेशर डाल करके हटाया वापस, क्योंकि के पाठक आएंगे तो घूस चलने नहीं देंगे, घूस चलेंगे नहीं तो कमाई कहां से आएगी। ये खुलेआम हो रहा है, कोई छुपा हुआ कुछ किसी से नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये बिहार के किसी आदमी से खड़ा होकर पूछिए कि भैया अगर तुम जमीन बेचने या खरीदने जाते हो तो कितना घूस देते हो, बताएगा आपको। 10% सरकार लेती है, उसके बाद एजेंट लगे हुए हैं, उसके बाद आप जाइए जहां भी रजिस्ट्री होती है किस तरह खेल चलता रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को ये समझना पड़ेगा, या देश के सारे बैकवर्ड नेताओं को समझना पड़ेगा। अगर बैकवर्ड नेता नहीं समझ पा रहे हैं या दलित नेता नहीं समझ पा रहे हैं तो उनका हश्र वही होगा जो मायावती का यूपी में हुआ है। बिहार में भी नेताओं का ये हश्र होगा। जाति के आधार पर भले कुछ नेता कूद रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये आम आदमी को समझ में आ गया कि हमें बेच करके ये घर बना रहे हैं, बेसिकली जितने दलित और बैकवर्ड क्लास के नेता हैं, ज्यादातर नेताओं ने भीड़ को यानी बहुजनों को बेच करके अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, और उनको ईडी सीबीआई से डर लगता है और वो बैठ करके जो है उनके लिए पालकिट होते हैं। ये कहार का काम करते हैं दलित और बैकवर्ड क्लास के जो नेता है, ये कहार के अलावा कुछ नहीं। पालकी में कभी कभी उनको सहवाला की तरह बिठा दिया जाता थोड़ी देर खुश करने के लिए, लेकिन वो झंडा जो है ना, वो सेक्रेटरी जो बने हुए वही चलाते हैं, सेक्रेटरी जो कहते हैं वही करते हैं। तो इसलिए देश की ये हालत है। लेकिन जो राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय का एजेंडा लिया है, जो 90 और 87 की बात कर रहे हैं, वो जनता को समझ में आ रही है। इसलिए मैं एक बार और बोल चुका हूँ कि संविधान को अब कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम है कि संविधान के वो मूलभूत जो अधिकार है, मूलभूत जो उसका जो मूल है, वो पब्लिक के पास ले जाए और बताए। न्याय क्या होता है वो बताएं कि ये देश नागरिकों का देश है। अंबानी अडानी और मोदी जी का देश नहीं है, प्रधानमंत्री का देश नहीं है, ये नागरिकों का देश है। वो जो भीख मांग रहा है, नौकरी के लिए लाठियां खा रहा है, जो भूखों मर जा रहा है, जो बिना इलाज के मर जाता है, सड़क पे चलते चलते मर जाता है, जो रेलवे के एक्सीडेंट में मर जाता है, उसका देश है। और उसकी गरिमा का ख्याल रखना होगा। प्रधानमंत्री को अगर चप्पल वहां से किसी ने फेंका तो आप देखिए क्या किया उन्होंने। पूरे जो जम्मू कश्मीर में जो आज गए वो, तो उन्होंने क्या किया जी? जम्मू कश्मीर में गए, बनारस में भी गए जी। आ रही है। बनारस में भी गए, चप्पल तो बनारस में भी पड़ी, पर वो चप्पल भी घिसी हुई थी उसी बेरोजगार, किसी बेरोजगार की होगी जो नौकरी के लिए अपने चप्पल घिसाता है। क्यों भाई कोई चप्पल मारेगा प्रधानमंत्री की कार के ऊपर? जी आप कुछ कह रहे धनंजय जी, आपकी आवाज जो है वो चली गई है। हाँ अब आ रही है, बोलिए। मेरे ख्याल आपका नेटवर्क कमजोर है, आवाज नहीं आ रही है, आप रीलॉगिन करके देखिएगा। मैं आपके पास आता हूं हिजम साहब। मणिपुर में आरएसएस का एक चिंतन शिविर सुनने में आया है, शुरू होने वाला है, और आरएसएस को लेकर पहले 3 दिन पहले तक ये कहा जा रहा था, देखिए मोहन भागवत ने मोदी जी को डांट लगाई, फटकार लगाई कि तुम कोलिशन पॉलिटिक्स में हो, अब अपना जो तरीका काम करने का तरीका है तौर तरीका उसको बदलो, कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए तुम काम कर रहे हो जबकि जनता आक्रोशित है, और उन्होंने तुमको बता दिया अयोध्या में, फैजाबाद में, यूपी में क्या हो रहा है। पर मुझे आज की बातों से, जब मैं मीनू जी से बात कर रहा था, जोशी जी से बात कर रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि आरएसएस तो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है सारे प्रोसेस में। आरएसएस की सहमति के बगैर ऐसे न्याय प्रक्रिया को बदलना, न्याय संहिता को बदलना, मणिपुर में 1.25 साल हो गया, यह सवाल मोहन भागवत जी को इलेक्शन के दौरान क्यों नहीं याद आया भाई? आज इलेक्शन में जब 240 पे सिमट गए तो मणिपुर याद आ रहा है, यूपी याद आ रहा है, पंजाब याद आ रहा है। तो ये विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है? और ये लोगों की लाशों पर जो राजनीति आपके मणिपुर में हो रही है, और आप खुद कहते हैं कि ये किसी डीप स्टेट का काम है, म्यांमार से लेके मणिपुर की सरहद तक एक मिलिट्री स्टेट बनाने का पूरी कवायद है, क्योंकि साउथ एशियन रीजन में चाइना के अलग थलग पड़ने के बाद, चाइना के एक सुपर पावर बनने के बाद, अमेरिका बहुत अकेला पड़ गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान भी एक फेल्ड स्टेट हो गई है, वहां से न्यूक्लियर जो चीजें हैं वो ईरान की तरफ भी गई हैं, और इधर नॉर्थ कोरिया ने भी बोल दिया है। तो ये सब चीजें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलती रहेंगी, पर अब ये आरएसएस जो है ये किस तरीके की पॉलिटिक्स खेलेगी मणिपुर के जो लोग शहीद हुए हैं पिछले 1.25 साल में, और जो मणिपुर का हाल हुआ है,
इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आरएसएस इस पोजीशन में है कि उस जिम्मेदारी को दे सके, या वो भी एक एक 20-20 मैच खेल रही है बीजेपी के साथ मिलकर? हिजम साहब धन्यवाद। अगर आप आरएसएस की बात को सुनेंगे, अगर आरएसएस अगर पूरब की तरफ अगर अंगुली दिखाएंगे तो आपको पश्चिम की तरफ ढूंढना जरूरी है। अगर दक्षिण की तरफ उसने अंगुली दिखा इंडिकेट किया तो आपको आरएसएस को उत्तर की तरफ देखना जरूरी है। आप इस मणिपुर के जो कॉन्टेक्स्ट से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे लेकर के जाना चाहूंगा। राम माधव जी बहुत वेल नोन चेहरा है, वेल नोन पर्सनैलिटीज है, आरएसएस का ये डीप थिंक टैंक की एक सदस्य रहा है। इस आर्टिकल 370 का जो सेक्शन सी को अमेंडमेंट करने से पहले ये कश्मीर जम्मू कश्मीर में थे। आरएसएस किसी का नहीं है, आरएसएस उनकी कुछ जो जो उनकी जो मेन उनकी जो संगठन की जो मेन जो कुछ 5-10 लोग 20 लोग है उन्हीं के ही है। देखिए अभी जो कश्मीर में जो आर्टिकल 370 को जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें किसी को कोई फायदा हुआ है क्या? किसी को फायदा नहीं हुआ उसमें। जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन आउटर लोगों का जो जमीन खरीदने का एक ही प्रावधान को ज्यादा महत्व दे रखा था उसमें। राम श्याम जादू या जो राम जी या लक्ष्मण जी जाकर के कोई जमीन नहीं खरीद सकता उसमें, या अंबानी साहब या अडानी साहब की बस की बात है उस उधर जमीन खरीदना। हम इस जगह पर इसको जम्मू कश्मीर को छोड़ देते हैं। तुरंत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 अमेंडमेंट होने का आर्टिकल 370 के सेक्शन कुछ सेक्शन को अमेंडमेंट होने के बाद राम माधव जी मणिपुर पहुंच जाता है। मणिपुर में एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो आपको जो जो अहमदाबाद से लेकर के जो थाईलैंड तक जो जाना चाइना तक जो इंग्लैंड तक की उनकी जो एक नेशनल ग्रैंड ट्रंक रोड निकाल रहे, आपको शायद आइडिया है या मुझे नहीं पता, लेकिन ये मणिपुर से होकर के थाईलैंड होकर के लंदन तक जाने का यूरोपियन यूनियन तक जाने का एक रास्ता अभी ऑपरेशनल हो गया है मणिपुर तक। इसमें जो बेनिफिशरीज कौन रहेगा इसके बीच में एक हल्का सा जो है मैं लखनऊ की तरफ आता हूँ। मैं लखनऊ कुछ दिन पहले गया था, लखनऊ में जो वहां जो ठेकेदार है वो गुजराती है, और जो उन ठेकेदारों ने एक कॉलोनी में उन्होंने हर कॉलोनी में उन्होंने ये जहर फैला रखा कि यहाँ पर मुसलमान नहीं रह सकता, यहाँ कोई मुसलमान होगा तो उनको निकालना है और मुसलमान को जमीन नहीं खरीदने देना, ये लखनऊ का हाल है। ये तो उसी तरीके से जो है उत्तर पूर्वी भारत में बहुत ज्यादा संख्या में जो है गुवाहाटी और इम्फाल जो जहां से जो ग्रैंड ट्रंक रोड जहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर जो म्यांमार जो वहां पर एक मोरे नाम का एक जगह है, मोरे एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट से होकर के इसको जो बिजनेस हब जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो होना है तो उस जगह पर जो है गुजरातियों को और जो मारवाड़ियों को वहां पर जो है वहां पर जो है स्टेशन कराने का एक प्रोविजन अभी बहुत डीप स्टेट पर अभी चल रहा है। अब इसको आरएसएस कल के नहीं परसों के नहीं 50 साल की बात के नहीं, आरएसएस इसको लंबे समय के, क्योंकि वहां की जो ट्राइबल्स है वहां की जो निवासी जो है उनके जो पॉलिटिकल एजेंडा उतना मतलब डीप स्टेट नहीं है जितने जो इन्होंने जो आरएसएस ने जो डीप स्टेट जो बना रखा। वहां पर यूरेनियम जो है उसके बाद जो ब्रोमेक्साइट यानी कि नंबर ऑफ जो ऑयल फील्ड वहां पर मिला है तो उनको धीरे धीरे आज नहीं कल नहीं 10 साल की बात नहीं 50 साल की बात जो उनकी जो योजना जो है उसी तरीके का जो है वहां पर मणिपुर में ये कॉन्फ्लिक्ट जो करवाने में इनके हाथ। अब आरएसएस ने जो मोहन भागवत ने बोले कि मणिपुर में क्यों नहीं जाते, मोहन भागवत जी को याद दिलाना चाहूंगा इस कॉन्फ्लिक्ट से ठीक 6 महीने पहले राम माधव जी वहां पर 3 साल स्टेशन करके गया है और मणिपुर का जो एडवाइजर जो था वो आरएसएस के ही था, रजत सेठी था। तो ये सब सारे चीजें जो है प्लानिंग करके ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये शुरू हुआ है। इसमें जो विक्टिम जो दो समुदाय में जो है एक समुदाय जो है एक विक्टिम बन गया है, लेकिन उन्होंने दूसरा समुदाय एक विक्टिम कार्ड, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं ये जो पूरा मणिपुर के जनता कह रहा है, मणिपुर के जो सिटीजन कह रहा है, असम राइफल्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है ये भी इनके बीच में इन्वॉल्व है, उनको
प्रोटेक्शन देने में, ये बहुत मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन उधर के जनता को, जनता ये ही कह रहा है, असम राइफल्स इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा चीज, मणिपुर का चीफ मिनिस्टर जब दिल्ली में चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को मिलने के लिए आया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह ने उनको मिलने नहीं दिया, जैसे चपरासी को भगा देते उनको भगाया था। इनका कई कमेटी, एक बार नहीं कई एमएलएस भी आया था दिल्ली, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक फेडरल स्ट्रक्चर को नरेंद्र मोदी ने ऐसे जो तहस नहस किया है, ये बहुत ऑपोजिशन और कांग्रेस मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में, तो ये कांग्रेस का एक प्राइमरी ड्यूटी होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेफ गार्डिंग करना। इस फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर दिया गया, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को नो एजुकेशन पॉलिसी व नागपुर एजुकेशन पॉलिसी कहता हूं इसको। आप देखिए 14 लाख बच्चे, मेरा भी बच्चे उसमें शामिल था यूजीसी नेट का। आतमजीत जी, मुझे पता चला कि रात को 11 बजे मुझे शौक हुआ कि यूजीसी इतने साल जो है बच्चे को पीजी करवाते हैं, आपके पास एक उम्मीद होता है कि हाँ मेरा बच्चे जो है यूजीसी जब क्लियर हो जाएगा तो एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नौकरी मिलेंगे। तो एक माँ बाप का जो है, सिर्फ मैं नहीं कितने लोगों को झटका लगा होगा, 14 लाख फैमिलीज को ये शौक लगा है। दूसरा चीज, अब ये हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदू के रखवाला कहते हैं, अब 14 लाख बच्चे में ज्यादा से ज्यादा 8 से 10% बच्चे होंगे जो मुसलमान के बच्चे होंगे। आतमजीत जी, 14 लाख में 8% या 10% या 15% भी ले लीजिए मुसलमान, तो बाकी जो 90% की जो हिंदू है उनके साथ क्या हो रहा है? क्या हिंदू, किसी हिंदू ने इसको सोचा है इसको? तो मैं इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जगह पर इसको नागपुर एजुकेशन पॉलिसी कहता हूँ, मैं इसको नागपुर एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानूंगा। तो फिर मैं मणिपुर पे आता हूँ। मणिपुर में अभी भी बहुत बहुत भयावह स्थिति है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का कम से कम अब 32 लाख जो पॉपुलेशन है उसमें, पहले से असम राइफल के कई कंपनियां, असम राइफल के एक एक यूनिट में जो है 1200 1300 1500 तक की नफरी होता है। कम से कम 15-20 यानी कि 1 लाख से ऊपर असम राइफल, 50,000 से ऊपर बीएसएफ, 50,000 से ऊपर आईटीबीपी, उसके बाद मणिपुर पुलिस का कमांडो, मणिपुर पुलिस का जो इंडियन रिजर्व बटालियन बोलते हैं वो भी एक किस्म का आर्म फोर्सेस है, प्लस असम पुलिस, प्लस अभी बहुत सारे जो मिलिट्री जो है, कम से कम 4-5 यूनिट जो है, एक एक यूनिट में 1500 का नफरी होता है, यानी कि 1:10 का नफरी में जो मणिपुर में आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज में, जो है जो मिलिट्रीज को स्टेशन, यानी कि उनके जो रहने का जो बैरक्स बनाने का जो उन्होंने प्लानिंग किया था, तो यूनिवर्सिटीज के बच्चों ने बोला कि ये पढ़ने की जगह है, यहाँ पर बंदूक और बूट की, बंदूक और काले बूट की जगह नहीं है करके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बहुत एक किस्म का एक वार जोन, वहां पर बफर जोन बन चुका है। नेशनल मीडिया और नेशनल जर्नलिस्ट ने इस चीज को उठाने का जहमत नहीं समझा। मैं चाहूंगा कि आतमजीत जी और हरी जोशी जी और मीनू जैन जी, आप लोग इस मुद्दे को उठाए, देखिए आपके देश में, आपके ही देश में क्या हो रहा है। जो CIA की जो बात मैं कह रहा था, साउथ ईस्ट एशिया में इस तैमूर की तरह एक क्रिश्चियन यूनिट, एक क्रिश्चियन कंट्री क्रिएट करने का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दे चुका है। बहुत सारे उधर के स्थानीय अखबार में बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर दर जता रहा है, बांग्लादेश का कुछ पोर्शन, म्यांमार के कुछ पोर्शन और इंडिया के कुछ पोर्शन, ये जो है एक अमेरिका यहां पर चाइना को काउंटर करने के लिए एक क्रिश्चियन कंट्री नया उदय करवाना चाहता है। अगर आपके देश, एक भारत की एक अंश भी अगर चले जाता है, तो हमारे जो एक नागरिक होने का या आप एक जर्नलिस्ट होने का, हमें लालचंद, अपने आने वाला पीढ़ी जो है हमें प्रश्न करेगा,
दादा मेरा अंकल मेरे चाचा आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया करके। तो मेरा आग्रह है नेशनल मीडिया और आतमजीत जी से और मीनू जैन जी हरि जोशी जी से थोड़ा सा उत्तर पूर्व की तरफ की थोड़ा सा हल्का सा आप स्टडी एनालिसिस R&D करना बहुत आवश्यक है। मणिपुर वास्तव में एक वार जोन बन गया है, उधर ऑलरेडी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑलरेडी है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक मतलब एक सिपाही एक कांस्टेबल किसी भी नागरिक को विदाउट एनी क्वेश्चनिंग ही और सी कैन बी शॉट विदाउट एनी परमिशन। ये यूनाइटेड नेशन ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कई बार बोला गया कि इस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रिव्यू करवाना करना बहुत जरूरी है। पी चिदंबरम ने कई बार बोला, उसके बाद जो अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी उसमें आर्गुमेंट में कई बार बोला कि भाई मणिपुर और उत्तर पूर्वी भारत में जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है इसको अमेंडमेंट करना जरूरी है करी। दिस इज इनह्यूमन, टोटली इनह्यूमन। एक मणिपुर के लोग ये सोच रहे कि कहीं हमारे जेनोसाइड तो नहीं कर रहे भारत सरकार, ये फीलिंग आ गया मणिपुर के लोगों को, उत्तर पूर्वी भारत के लोगों को। जी आतमजीत जी, जी हिजम भाई, आपने एक बड़ी सीरियस इशू की ओर इशारा किया। वो इशू ये है कि कॉलोनाइजेशन जो ब्रिटिशर्स ने किया उससे ज्यादा सीरियस कॉलोनाइजेशन अब ये बीजेपी और RSS की सरकार कर रही है। यस यस, न्याय संहिता के न्याय न्यायालय के थ्रू न्यायालय में आपका रास्ता बंद कर देगी तो जुडिशरी आपकी मदद ही नहीं कर पाएगी। सारी न्याय की प्रक्रियाओं को रूल्स को रेगुलेशंस को लेजिस्लेशंस को आपने बदल डाला बिना किसी से बात किए। उसके बाद आपने कहा अगर ये कानून अगर 1 जुलाई से अगर शुरू हो गया, जो नया जो कानून अगर 1 जुलाई से शुरू हो गया, आपको किसी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जरूरत नहीं, हाई कोर्ट की जरूरत नहीं, किसी अपेक्स कोर्ट की, किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं। पुलिस या आर्मी देश को चलाएगा, वो अपनी मर्जी से आपको घर से उठाएगा, मेरे को घर से उठाएगा। उनकी नजर में जो चूकता है वो सबसे पहले उसको खत्म करेगा। देखिए इसमें जो डिजिटल मीडिया का भी इसमें प्रोविजन है, अगर डिजिटल मीडिया का भी प्रोविजन है, अगर आपने किसी यूट्यूब में अगर कोई वीडियो डालना है उनसे प्रोविजन उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। ये कैसे कानून है ये? बिल्कुल, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि कॉलोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक पुलिसिया स्टेट हो जाए, एक पुलिस स्टेट हो जाए जिसमें आर्मी के पास शूट एट साइट का ऑर्डर रहे, जो पंजाब में रहा और स्पेशल आर्म फोर्सेस एक्ट में पूरे नॉर्थ ईस्ट में है और मणिपुर में खासकर आपने देखा किस तरीके से एक जेनोसाइडल चीजें हुई, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग भड़का दिए गए, उसके बाद दंगा हुआ, मॉब लिंचिंग हुई, सब कुछ देखा हम लोगों ने। पर अब उस आग में घी का काम ये सरकार करने वाली है जबकि वो अल्पमत में है। तो ऑपोजिशन को यही बात मैं आपके आपसे पहले धनंजय जी भाई से कर रहा था कि ऑपोजिशन की ड्यूटी बन जाती है कि जो ये लोकतंत्र को खतरा बना हुआ था और संविधान को खतरा बना हुआ था वो इनके मंसूबे सामने आ चुके हैं। अभी पहला सेशन भी नहीं लगा है पार्लियामेंट का और सब चीजें सामने आ चुकी हैं। तो ऑपोजिशन को बगैर कोई समय गवाए 24 जून को रणनीति के तहत अपनी एक रणनीति बनाकर कि सरकार को कैसे घेरना है कि उनको बात कर पार्लियामेंट में विवाद कर और बातचीत के जरिए उनको कैसे निस्तानाबूद किया जाए। क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। जब आपने AFSA की बात की तो मैं आपको पहला सवाल बता देता हूं, ट्रेजरी बेंच वाले कहेंगे AFSA लाने वाले हम थे, PMLA लाने वाले हम थे, UAPA लाने वाले हम थे, दंगा करवाने वाले सिखों के खिलाफ हम थे, हम तो बचा रहे हैं आपको। तो जब ऑपरेसर खुद ही अपने आप को सेवियर बताना शुरू कर दे और आपको ये समझ में नहीं आए कि आपको बचाने वाला कौन है और आपको खत्म करने वाला कौन है, तो इससे बड़ी कोई दुविधा किसी देश के लिए रह नहीं जाती। क्योंकि देश का दुश्मन अब सरहद के पार नहीं बैठा है, देश का दुश्मन सरहद के भीतर है। आप सरहद को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके खिलाफ लोग आप ही को जेनोसाइड के जरिए आपको खत्म करके आपकी प्रॉपर्टी आपकी सब चीजों पर उनकी नजर है। इन्हीं सब बातों के साथ, क्योंकि आज जो था काफी इंटेंस टॉपिक था, हम लोगों ने तमाम तरीके पे डिबेट की, बिहार के आरक्षण से लेकर इंडियन पिनल कोड, CRPC, मणिपुर के हालात, और आपने जो बात की हिजम साहब की अब जो है
सड़क निकाली जाएगी जो सीधे यूरोप जाएगी, और उसमें जैसे बीआरटी कॉरिडोर चाइना में बना है वैसा ही एक कॉरिडोर ये फिर तैयार किया जा रहा है। और इसीलिए इन चीजों को करते हुए और किस तरीके से ओलिगार्क कंपनीज को जो एक विजन डॉक्यूमेंट है जो अदानी साहब ने दिया, उस विजन डॉक्यूमेंट के पीछे भी डीप स्टेट का काम है। कौन कौन लोग हैं ये तो हम लोग नहीं जानते, हम लोग तो एक आम जनता है जिसको जितनी बात पता लगती है उतनी ही बात करता है। इन्हीं सब थॉट्स के साथ मैं अपने ऑडियंस को ये थॉट्स देके हम लोग फिर इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। अब अगले 4 या 5 दिन जो है बहुत क्रूशल हैं। 24 जून को क्या होता है, उस 24 जून का ऑपोजिशन का रुख क्या होता है, कितनी यूनाइटेड दिखती है और किन मुद्दों पर सरकार को घेरती है, उससे आगे की रणनीति तय हो जाएगी कि ऑपोजिशन सक्षम है इस सरकार से लड़ने में कि नहीं है। हिजम राजेंद्र साहब, मीनू जैन जी, हरिशंकर जोशी जी, आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और धनंजय भाई जी, आपका चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।